हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टार्टअप मोटिवेशन। इंग्लिश सीखना उन सभी लोगों को अच्छा लगता है जिन्हें इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है। बहुत सारे लोग इंग्लिश इस एक रीजन से भी नहीं सीखते क्योंकि उन्हें इंग्लिश वर्ड से याद नहीं रहते। आई गारंटी ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों का है। आज हम इस वीडियो में वही सीखेंगे कि कैसे किसी भी वर्ड को परमानेंट याद रखें और कम्युनिकेशन में उसे यूज करें। हम बचपन से इंग्लिश वर्ड्स को मेमोराइज करते हैं, उसे 5 से 10 बार पढ़ के, एंड नो डाउट हमें वो वर्ड्स कुछ दिनों के लिए अच्छे से याद भी रहते हैं, पर कम्युनिकेशन में उन वर्ड्स को यूज ना करने की वजह से हम कुछ टाइम बाद उसे भूल जाते हैं। अब ये होना भी जायज है क्योंकि हमारी लर्निंग मेथड ही गलत है। आप भी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना आप क्या करते थे इंग्लिश वर्ड्स को याद रखने के लिए। अब देखते हैं वो टेक्निक क्या है। तो टेक्निक बहुत सिंपल है, लर्न इंग्लिश फ्रेजेस नॉट इंडिविजुअल वर्ड्स। तो जब भी हमें कोई न्यू वर्ड याद रखना है तो हमें इस टेक्निक में सिर्फ वर्ड नहीं याद रखना तो हमें पूरी फ्रेज याद रखनी है। पर उससे पहले हमें जो भी वर्ड याद रखना है उसका मीनिंग हम डिक्शनरी में देखेंगे एंड उस फ्रेज का मतलब लगा के उससे पूरा याद रखेंगे। एग्जांपल, लेट्स टेक अ वर्ड हेट एंड द सेंटेंस इज जॉन हेट्स आइसक्रीम। अगर आप इस सेंटेंस को याद रखते हो तो आपको बेसिकली सब वो बातें आपके सामने दिखेगी, जैसे क्यों जॉन आइसक्रीम को हेट करता है, क्या एक्शन करता है जब उसे कोई आइसक्रीम ऑफर करता है। तब हमारे दिमाग में उस हेट वर्ड का पूरा सिनेरियो खड़ा हो जाएगा और जब भी हम नेक्स्ट टाइम उस वर्ड को यूज करना चाहेंगे तो हमें सिंपली वो सिनेरियो याद आएगा। अब ये वर्ड अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो आपको वो वर्ड उस कंटेक्स्ट में याद रहेगा। टेलीविजन पे देखते हैं तो डिफरेंट कंटेक्स्ट में याद रहेगा, बट इट डजंट मैटर क्योंकि अब आप किसी भी वर्ड को सीख के उसे कम्युनिकेशन में यूज कर पाओगे। एक बोनस बात मैं आपको आज बताता हूँ, जब भी आप फ्रेज लर्न करते हो तो आपका ग्रामर भी बहुत इंप्रूव होगा। जैसे इस सेंटेंस में अगर आप लर्न करते हो ही हेट्स आइसक्रीम तो आप नेक्स्ट टाइम किसी भी फ्रेज में वो एक्स्ट्रा एस लगाना कभी भी नहीं भूलोगे, जो कि इंग्लिश का एक रूल है। पर मैं रूल से हट के ग्रामर सीखना कह रहा हूँ तो आप इस सिंपल टेक्निक से बहुत अच्छी तरह से वोकैबुलरी एंड ग्रामर इम्प्रूव कर सकते हैं। इस टेक्निक को हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, दिस रूम इज फेयरली क्लीन, या फेयरली का मतलब ठीक ठाक एवरेज है, जैसे ये रूम ठीक ठाक क्लीन है, नॉट टू क्लीन बट फेयरली क्लीन। सोचो कि आप एक रूम में गए हो जहाँ अपने रूम में एंटर करने के बाद रूम अच्छी तरह से क्लीन है, कुछ कोनों में थोड़ी डस्ट है पर नो प्रॉब्लम। अगर आप इस सिनेरियो को इमेजिन करते हो तो फेयरली वर्ड को भूलना इम्पॉसिबल है। ऐसे सिंपल इमेजिनेशन से आप बहुत सारे वर्ड्स सीख सकते हैं। इसमें सोचने का एफर्ट जरूर लगेगा पर वर्ड्स परमानेंट याद रहेंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि आप इंग्लिश स्पीकिंग की सीरीज देखना पसंद करोगे जहाँ मैं आपको कुछ ऐसे ही टेक्निक्स बता के विदाउट ग्रामर बुक इंग्लिश कैसे सीखते वो बताऊंगा। वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। सो अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए स्टार्टअप मोटिवेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।